शांति। अरे क्या कर रहे, रुक जाइए। मना किया था ना हमने कि किसी को इसके बारे में बताना मत। अरे 5 मिनट के लिए हम मंदिर का गए, क्या पीठ पीछे पुलिस वालों को बुला रहे? अरे बस कीजिए, आप घरेलू हिंसा मत कीजिए पुलिस वालों के सामने, जेल में डाल देंगे आपको। फावड़ा भेजिए। गजब करती है चाची, अब रखिए मान जाइए। शांत बैठिए, बैठकर बात करते हैं, बैठिए। अब शांति से हमें बताइए कि आप अपने पति से अपने घर का आंगन खुदवाई क्यों रही हैं? देखिए मैडम जी, ये हमारा घरेलू खुदाई है, इस बीच में ना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक काम करिए, इन्हें अरेस्ट करके थाने ले चलते हैं, वहां जाकर ये सब सच बोलेंगे। आइए। अरे मैडम जी, रुकिए। हम बताते हैं, हमारे घर में आंगन की जमीन के नीचे सोना गड़ा है। अच्छा, और ये खुशफहमी आपको किसने दी? आसमान के ऊपर क्या है, जमीन के नीचे क्या है, वो सब जानते हैं मैडम जी। वो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे, इतने महान दिव्य पुरुष है हमारे बाबा अर्जुन जी। मैडम जी, उन्होंने ही हमें बताया था कि हमारे घर के आंगन की जमीन के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। एक बात बताइए, इस जानकारी के बदले में उस आदमी ने आपसे कुछ मांगा? कुछ पैसे, जवाहरात, कुछ भी? क्या बात करती है मैडम जी, वो इतने महान दिव्य पुरुष हैं, वो हमसे कुछ मांगेंगे? बल्कि हम अपने तरफ से खुश होके खानदानी सोने का कंगन हम उनको गिफ्ट भेंट दे दिए। क्या तूने हमारा वो खानदानी कड़ा उसे दे दी? अरे तुम पत्नी हो कि पनौती हो? मैडम मैडम, ये देखिए क्या किया, वो हमारे पूछते नहीं वो कड़ा। अरे कुड़कुड़ा रहे हो, अरे इतना काले से सोना मिलेगा कि उतना तो तुम्हारा पूरा खानदान भी मिलकर नहीं कमाया होगा। कुछ नहीं मिलेगा। बोलो। ना सोना ना कंगन। ये सब एक तरीका होता है आपको ठगने का। कोई दिव्य शक्ति, कोई पावर, कुछ नहीं है उसके पास। बिल्कुल सही कह रही है वो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ ना, तुम इधर बैठो, बैठो 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 बैठो, मैं बताता हूँ। सुनो, देखो ऐसी कोई शक्तियां वक्तियां जो है ना इंसान के अंदर नहीं होती है। होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अरे तुम भी मानोगे जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे बारे में उन्होंने वो भी बताई है। कौन सी बात? क्या उन्हें कैसे पता चला ये? एक मिनट, ये क्या खुसुर-पुसुर कर रहे हैं आप? क्या चल रहा है? हम ये आपको नहीं बता सकते, ये हमारा खानदान का मसला है, हमारी निजी मामला है, हम नहीं बता सकते आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको हम बुला के लेके आए, गलती हो गई। आप प्लीज जाइए, मुझे गड्ढा खोदना है, मेरे पास टाइम बहुत कम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ख्याल रखिए। भैया जाइए। धन्यवाद। हमारा पेट खराब है तो वहां जाके छोड़ो ना, हमारे पास क्या ऐठिया रहे हो ऐसे? अरे नहीं मैडम, हम उसको ढूंढ रहे, उसको। उसको किसको? जो आपके थाने में जो नई अफसर आई है ना, मीरा जी, उसकी बात कर रहे। कोई शक? ओए क्या बात कर रहे बदनाम भाई, बिल्कुल सही बात। जब से मीरा जी इस थाने में आई हैं, ये पूरा इलाका ऐसे दिवाली की तरह रोशन हो। जब से इस थाने में आई हैं, कभी लाइट नहीं गई थाने की, कहाँ है दिख नहीं रही है मीरा जी। भयो का हां हां, दिखाई नहीं दे रही है, मतलब वहां दिखाई नहीं दे रही है तुमको? कहां? विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब दिखाई दी? कितनी बार बोला ऐसे पौका देकर फैला कर। मैडम ये नहीं समझेगा तो हम समझ के जाए? जाओ। अच्छा हेलो, आखिर तुम्हारी चोरी पकड़ी ही गई करिश्मा सिंह। मैडम सर, मीरा को तुम ही ने गायब किया है ना? नहीं नहीं मैडम सर, आप ये क्या बात कर रही है, वो टीम के डब्बे को हम कैसे गायब कर सकते हैं? नहीं नहीं मैडम सर, ये किसी ने गलत आपको बताया, ये ऐसा कुछ नहीं है, हमने गायब नहीं किया। बनिए मत, पुष्पा जी ने हमें सब कुछ सच बता दिया है, आप ही ने गायब किया है मीरा को। आप ही ने हमारी आवाज में कमांड देकर दबे पाँव मीरा को थाने से निकल जाने के लिए कहा। छी 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 करिश्मा जी, आपने उस मासूम बेचारी भोली मशीन का अपहरण किया है, हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। नहीं 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 मैडम सर, ये पुष्पा जी ये इनकी बातों में मत आइएगा। ये कुछ भी बोल रही है मैडम सर, आपको लगता है हम गायब करेंगे वो टीम के डब्बे को? कितनी बड़ी चुगलखोर है, हम घर जाके निपटेंगे उनसे, पुष्पा जी को बताएंगे, ऐसे कुछ भी थोड़ी ना कह देती है। क्या 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 चुगलखोर सास? आप हमें चुगलखोर सास कह रही है?
हम चुगलखोर नहीं है, चुगलखोर तो आप है, आप, आपका पूरा खानदान है, आपके पड़ोसी है, यहाँ तक कि आपके घर में जो कुत्ते बिल्ली है ना वो भी चुगलखोर है। हाँ, थोड़ा सा कुछ कह दिया तो कैसा मिर्ची लग गया आपको। हाँ, और आप ऐसा मस्करी कर रही है हमारे साथ, ये अच्छी बात है। अरे तो फिर हमने भी तो थोड़ा सा मजाक ही किया ना, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है। तो मजाक करने का उम्र होती है, उम्र देखा खुद का। हाँ खबरदार, जो हमारी उम्र बीच में लाई तो आप। हाँ वरना हम इस सब लोगों को बता देंगे आपकी असली उम्र क्या है, चेता रहे हैं आपको। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना अब तो हमने भी करना सीख लिया है। सोचिए अगर हम मैडम सर की आवाज में मीरा को, मतलब ये टीम की चुड़ैल को अगर नचा सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, तो फिर आपको भी नचा सकते हैं। हाँ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इंसान सिर्फ मशीन को कमांड कर सकता है, इंसान इंसान को नहीं। अरे हाँ बाबा पता है हमें, बस ये तो एक बात करने का तरीका होता है, बोलने की बात होती है। और तुम चुप रहो, हमें बात करने दो। ओके मैडम सर। मैडम सर आपकी आवाज सुनाई दे रही है पर आप कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या कह रही हो तुम, तुमको मैडम सर दिखाई नहीं दे रही है? नो, वो वहाँ वहाँ खड़ी है मैडम सर, दिखाई नहीं दे रही। नहीं, यहाँ मैडम सर है, जहीन मैडम सर, उनके बगल में करिश्मा जी है। नहीं नहीं। ओहो लगता है आपकी जो लेंसेस है ना उसमें शायद टेक्निकल एरर आ गया है कुछ तो, है ना? पुष्पा जी लगता है मीरा को हेडक्वार्टर भेजना पड़ेगा। ओके मैडम सर। हाँ 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 सुनिए सुनिए, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सुनिए ना पुष्पा जी, ये आए शायद छोड़िए आप, और ये बताइए कि किसी ने देखा तो नहीं ना आपको? नहीं नहीं, यहाँ तो दूर दूर तक सन्नाटा है। बहुत बढ़िया, ये बताइए काम हुआ? नहीं बस करने ही वाले थे, सोचा आपको एक बार फोन करके पूछे कि जो तय किया है वो करना है ना। हाँ इसमें कोई प्लान में आपके चेंज तो नहीं हुआ है ना? सोच लीजिए वरना मैडम सर को अगर पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं 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 कुछ भी नहीं, कुछ चेंज नहीं है, जैसा प्लान बताया है बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। ठीक है ठीक है, अभी हम उसे। यहाँ तो थी मीरा, कहाँ चली गई? पुष्पा जी अंदर भी नहीं है, यही तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप, ये सब कुड़कुपड़ कर देंगे हम? कांक मतलब क्या, आपके सामने तो खड़ी थी, साथ ही तो खड़ी थी, उसका आवाज आ रहा था हमको। मैं ढूंढिए ढूंढिए उसको, आसपास ही होगी, इतनी दूर नहीं जाएगी कहीं, जल्दी ढूंढिए। हाँ 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 ढूंढ लेते ढूंढ लेते, कहाँ गए शिव जी? अरे काम दिया था। भगवान क्या है ये, जो अपने थे एक एक छोड़कर सारे चले गए, बाबूजी चोरी के चक्कर में रफू चक्कर हो लिए, माँ तो बहुत दूर रह रही है, उसके साथ मेरी बहन भी, कभी किसी से इज्जत नहीं मिली, बस जिंदगी में पहली बार मेरा जी गाँव आप, उन्होंने मुझे इज्जत दी, हे भगवान। अगर मेरी मीरा जी नहीं मिली तो इस पत्थर पे अपना सर मार मार कर फोड़ दूंगा, आज नहीं कल फोड़ूंगा, आज मीरा जी को ढूंढूंगा, तुम मेरी सहायता करना भगवान। कहा है मीरा जी, कहा हो तुम मीरा जी? मीरा जी सुनिए, क्या है? माफ कीजिए। माफ किया, आगे? शहर में नया हूँ तो ये एड्रेस बता सकते हैं प्लीज? गुलमोर रोड बाबागंज। एक काम कीजिए, सीधे जाइए, राइट देखिए, लेफ्ट में मुड़ जाइए, ये लो। थैंक यू। मेंशन नॉट। बहुत दुखी लग रहे हो दोस्त? हाँ दुखी हूँ। दिल का मामला है राइट? आपको कैसे पता? है ऊपर वाले की कुछ नेमत, मतलब मुझे सब कुछ पता होता है। यूँ समझ लो कि क्या मुझे ऊपर वाले की तरफ से एक वरदान मिला हुआ है।
जिससे कि जब भी मैं किसी की आंखों में देखता हूं उसके बारे में सब कुछ जान लेता हूं, उसका आज गुजरा हुआ कल सब कुछ शीशे की तरह साफ साफ मेरे सामने नुमाया हो जाता है। लेकिन ये कैसे? जैसे कि मैं इस वक्त तुम्हें देखकर साफ साफ बता सकता हूँ कि तुम्हारे गुजरे हुए कल और आज में एक चीज बड़ी कॉमन सी है। उधार, लॉकअप। तुम्हारे गुजरे हुए कल और आज में लॉकअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई गहरा और खास रिश्ता लगता है तुम्हारा लॉकअप से, am I right? एकदम सही बोले, करेक्ट बोले आप। And one more thing. What? तुम जिस लड़की को चाहते हो उसका नाम M से शुरू होता है, राइट? ओह माय गॉड, करेक्ट। शायद उसका नाम मीरा है। यस, करेक्ट। मीरा जी कहाँ चली गई अब? ये तुम कैसे? लेकिन आप ये सब कैसे जानते हो? नहीं, आपको उन्होंने बताया होगा, वो बागड़ बिल्ले दो इकबाल और बदनाम, उनके सिवा आपको पता ही नहीं हो सकता कहाँ है वो दोनों इकबाल। मुझे नहीं पता तुम किन के बारे में बात कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं शहर में नया हूँ, अभी तक तो ठीक से शहर में दाखिल भी नहीं हुआ, तो भला मैं किसी को कैसे जान सकता हूँ? ठीक है, अब मैं तुम्हारे बारे में एक ऐसी बात बताता हूँ सिर्फ तुम जानते हो। तुम अपने बाबूजी को बहुत मिस करते हो ना? बाबूजी, वही बाबूजी जिन्हें तुमने बहुत छोटी सी उम्र में खो दिया था। अंदर की बात आपको कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे बाबूजी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। हैं? तो माँ जी ने मुझे झूठ बोला? नहीं, हैं? वो यहीं हैं हमेशा से तुम्हारे साथ, तुम हमेशा से उन्हीं की नजरों में रहे हो। बाबूजी, मैं तो इस वक्त भी महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे बाबूजी इस वक्त भी तुम्हें देख रहे हैं। पता है तुम्हारे बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या? कि तुम अपनी तरफ से अपने जैसे अनाथ बच्चों के लिए कुछ करो, उनका सहारा बनो। यही तुम्हारे बाबूजी की आखिरी इच्छा है जो आज तक पूरी नहीं हुई। हाँ? अरे बेटे होने के नाते तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, ये तुम्हारा फर्ज है। हाँ हाँ, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। बाबूजी, वहाँ नहीं। बाबूजी, नीचे। बाबूजी, बैठे। बैठे। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपका बेटा हूँ, मेरा फर्ज है, आपकी आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे होगा? उसकी चिंता तुम मत करो। हाँ? क्या क्या बाबूजी कुछ बोलेगा? क्या बोले? पता है बाबूजी क्या कह रहे हैं? हाँ? जहाँ चाह है वहां राह है। बाबूजी, अम्मा क्या हुआ उस टीन के डब्बे का? मिला कि नहीं? नहीं ना, इस तरफ भी नहीं नजर आ रही है वो। ढूंढिए ढूंढिए, उसे ढूंढिए, नहीं मिलेगी तो भवंडर हो जाएगा, समझिए हमारी बात को। हाँ हाँ, समझ रहे हम, ढूंढ तो रहे हम, पता नहीं कहाँ चली गई चुड़ैल। हाँ ठीक है। क्या हुआ करिश्मा सिंह, क्या खो गया? वो पुष्पा जी से हम बात, पुष्पा जी का वो हार खो गया। पुष्पा जी का मैडम सर, वो सोने का हार था पुष्पा जी का, वो लल्ला के पापा का निशानी, बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी पुष्पा जी उनसे, वो खो गया। अरे ऐसे कैसे, इतना सोने का हार खो दिया, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए ना। वही मैडम सर, वो बहुत तिल मिलाई घूम रही है, एकदम उनका दिमाग भरा गया है, एकदम आउट सी हो गई है। और आपको तो पता है पुष्पा जी फटती है तो कैसे आड़ा फटती है ना, कभी लल्ला पे इल्जाम लगा रही है, कभी हम पे इल्जाम लगा रही है। और हमें काका नहीं कह रही है सुबह से मैडम सर, कह रही है कि चुड़ैल हमारा हार खो दिया, सत्यानाश हो, कीड़े पड़े, आग लगे हमारे भौकाल को, पता नहीं। और करिश्मा सिंह, आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं? हम कर रहे हैं? हाँ, कि पुष्पा जी की संगत में ना मैडम सर हम भी। एनीवेज, देखिए हम जानते हैं कि सोने का हार खोना कितना स्ट्रेसफुल होता है, बट जब वो खासतौर पर पिताजी की निशानी हो। लेकिन हमारे पास उससे भी बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है अभी, मीरा की गुमशुदगी। उसका ढूंढना, उसका पाया जाना बहुत जरूरी है। अगर डिपार्टमेंट को पता चल गया कि वो खो गई है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर। आराम से, क्या हुआ? मैडम सर, मीरा मैडम को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ कहीं भी होगी वो लौट कर थाने ही आएंगी। कहाँ? क्या मतलब? हाँ, ये पेन ड्राइव में उनका मैनुअल है तो मैंने फोन में डाउनलोड कर लिया है, ये देखिए। तो मैडम सर, इसमें ये लिखा है कि अगर 6 घंटे तक मीरा मैडम को कोई कमांड नहीं मिलता है तो 6 घंटे में वो खुद ब खुद अपनी डिफॉल्ट डेस्टिनेशन पर आ जाएंगी। और डिफॉल्ट डेस्टिनेशन क्या है?
महिला पुलिस थाना. एग्जैक्टली. तो उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएंगे. ब्रिलियंट, गुड जॉब संतोष शर्मा. अभी म्यूजिक बंद हुआ है. Why you loud? Now you tell me. मीरा मैडम मिल गई है क्या? कौन मीरा मैडम? अच्छा, वो अब उसकी कोई जरूरत नहीं है. अब मुझे चाहिए नोट गिनने की मशीन, क्योंकि आने वाले पल में मेरे पास बहुत सारे नोट आएंगे. इतने सारे नोट कि नोट गिनने वाली मशीन को नोट गिनते गिनते उसके पसीने छूट जाएंगे. इतने नोट आने वाले मेरे पास. अम्मा करो ना, दिमाग के अस्पताल को कॉल करो, बोलो ये भरा गया है, इसका दिमाग सरक गया है, ये किसी को काट वाट लेगा. भेजो इसको अस्पताल, भेजो. रिलैक्स करिश्मा मैडम, रिलैक्स. जब भगवान किसी को छप्पर फाड़ के देता है तो ऐसे ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है. मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूँ, कल से ये बिल्लू चंपत नहीं रहेगा, ये अमीर बिल्लू चंपत होगा. फिर मेरे पास गाड़ी, बंगला, दौलत, शौहरत, इज्जत, नौकर चाकर, बाग बगीचे और भिखारी मेरे अगल बगल रेंगते रहेंगे. और इस खुशफहमी की वजह? सच्चा मित्र आज ही मिला मुझे रास्ते में. उसने मुझे बताया मेरे बारे में. क्या बताया? शट अप. सब कुछ बताया. उसने कहा कि तुम आने वाले पल में इतने अमीर हो जाओगे कि दौलत के इतनी ऊंचाई पे चढ़ोगे, इतने चट्टानों पे चढ़ोगे कि वहां से उतरने चढ़ने के लिए तुम्हें चट्टान चार्टर प्लेन. हाँ, वो प्लेन यूज करना पड़ेगा उतरने चढ़ने के लिए. और उसने मुझे लॉटरी का टिकट दिया है और कहा ये लॉटरी का टिकट तुम्हें लग जाएगा 1 करोड़ का और तुम मालामाल हो जाओगे. 1 करोड़. और ये लॉटरी का टिकट उसी आदमी ने दिया तुम्हें? हाँ. और बदले में क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैंने उसको दिया. क्या? किसी गरीब की मदद करने के लिए टिकट लिया था. टिकट हाथ में लेते ही पता चल गया था कि वही टिकट है जिसका नंबर लगने वाला है. हाँ? पूरे 1 करोड़ का. पक्का? नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ये टिकट लगेगा. फिर मैंने सोचा कि ये मोम आया मेरे किस काम की. एक काम करो, ये तुम रख लो, अपने पिताजी का आशीर्वाद समझ के रख लो. 2 दिन बाद जब तुम करोड़पति बन जाओगे तो किसी गरीब को छोले भटूरे खिला देना, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी. हाँ. ओके, सी यू. सी यू. बाबा. बाबा मत कहो. तो आई एम योर बडी. ओह माय बडी, आप मुझे 1 करोड़ देके जा रहे हैं, इस बदले में मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ. एक मिनट, मेरे पास है. ये मैं भी इस पैसे के मोह से मुक्ति पा लेता हूँ. 1, 2, 3, 4, ये पूरे पैसे आप रख लीजिए. नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है. नहीं नहीं, आपको रखना होगा. नहीं, ये बाबूजी का आशीर्वाद समझ लीजिए, रख लीजिए. कहाँ है झूला? वाह बहुत बढ़िया. ये वही आदमी है जिसने उस कपल को भी बेवकूफ बनाया. चीता, ये वही आदमी है जिसकी वजह से वो आदमी अपना घर का आंगन खोद रहा था और अब इसने बिल्लू को बेवकूफ बना दिया है. सॉरी. ये बहुत शातिर आदमी है, ये बहुत अच्छा जाल बिछाता है लोगों को ठगने का. नहीं नहीं, ये ठग नहीं हो सकता. मुझे कैसे ठग सकता है? नहीं, उसके पास रियल में पावर है. हाँ, तुम्हारी मैया की सासू मैया. लालच के आगे तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सब धुंधला हो गया क्या तुम्हारे सामने? वैसे उल्लू तो तुम हो पैदाइशी, लेकिन तुमको कोई उल्लू बना गया. बिल्लू चंपर, तुम उल्लू बन गए हो. समझ रहे हो हमारी बात को? जो पूरी दुनिया को चूना लगाता था ना, आज उसको कोई चूना लगा के चला गया.
नहीं 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 वो झूठा नहीं, वो सच्चा है। 1 करोड़ की लॉटरी मुझे लगने वाली है, मैं अमीर होने जा रहा हूँ। ए बदनाम, इसमें चाय लेके आ जा, चल हट। महिला पुलिस थाना टीम इधर आई, ओके। देखिए ये आदमी बहुत ही स्मार्ट है, ये लोगों की सबसे कमजोर नब्स पर अटैक करता है जो है जज्बात। उनकी भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें लालच दिखाकर उन्हें ठगता है। और अब ये आदमी हमारे थाने तक पहुंच गया है, उसने बिल्लू तक को बेवकूफ बना दिया है। अब इसे पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है। स्टोपा आदमी को तो हम ढूंढ कर निकालेंगे और उसको समझाएंगे कि शतरंज के मौरे खेल में कितना ही शोर मचा लें, खेल खत्म होने के बाद उनको वापस डब्बे में ही जाना होता है। हाँ तो करिश्मा सिंह, कुछ सोचा आपने कि अब किस जुर्म, किस कंप्लेन, कौन से सबूत की बेसिस पर आप उसे पकड़ के लाएंगे? ना मैडम सर, लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते ना हम, कुछ तो करना ही होगा हमको। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन इस तरह से जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ कर पूरी तैयारी के साथ करेंगे। और वैसे भी हम आपको हाथ पर हाथ रख कर बैठने के लिए नहीं कह रहे, आपके पास बहुत जरूरी काम है करिश्मा सिंह, मीरा को ढूंढना है। कहाँ है वो? मैडम सर काहे ढूंढना है उसको, संतू ने बताया तो है 6 घंटे तक किसी भी तरीके के कमांड का आदान प्रदान नहीं होगा, तो वो लौट के यहीं आएगी, तो फिर काहे ढूंढे उस मीरा को? वो अपने आप आ जाएगी, वो बात सही है करिश्मा सिंह, लेकिन अगर उतनी देर में कुछ हो गया तो, उसकी बैटरी खत्म हो गई तो, या फिर किसी को पता चल गया कि वो इंसान नहीं एक मशीन है तो, या फिर डिपार्टमेंट को अगर खुदा ना खास्ता पता चल गया कि हमने क्या गड़बड़ कर रखी है, आप जानती भी हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है उसे जल्द से जल्द ढूंढना और यहाँ वापस लेकर आना। जी मैडम सर, मैडम सर डीएसपी सर आ रहे हैं, लेकिन उनका मूड बहुत खराब है। मीरा के बारे में उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने उसे खो दिया है? हाँ। अगर वो अंदर यहाँ आए और मीरा नहीं दिखी उन्हें तो उन्हें शक हो जाएगा। एक काम करते हैं, आप लोग उन्हें बिजी रखिए, उनसे कहिए कि मीरा हमारे साथ गई है राउंड पर, ठीक है, हम पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। Okay. क्या करें? करिश्मा सिंह उन्हें बाहर रोकी, यहाँ छुपते, चलो। जय हिंद सर। जय हिंद। मिस मलिक कहाँ है? मैडम सर वो राउंड पर गई है। और मीरा? मीरा उनके साथ ही गई है सर, वो ट्रेनिंग के लिए। ओके ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ। सर सर पहला भी सर सर, मैंने जो आपके साथ बदतमीजी की उसके लिए माफी सर, माफी। सर आपने मुझे पहचान नहीं? आई एम बिलू द स्पाई, इस थाने की मदद करता हूँ हर केस में सर। सर बाहर देखिए क्या ठंड हवा चल रही है, घूम के आते हैं। नवंबर का महीना है, ठंडी हवा चलती है, और तुम कौन होते हो मुझे हवा खिलाने वाले? सर नहीं, मैंने तो आपके थाने का नमक खाया है। बकवास बंद करो और सीधा अपने सेल में जाओ। और तुम्हें मेरे अंदर जाने से कोई समस्या है क्या? हाँ नहीं, मैं कौन होता हूँ हाँ कहने वाला? ये आपका थाना है, आप इस थाने के किसी भी कोने में आ सकते हैं, जा सकते हैं, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? सर समय से कैसे आना हुआ सर आज आपका? देखिए हमें जो भी बात करनी होगी ना तो हम मिस मलिक से बात करेंगे, वो हमें अच्छी तरह से समझती हैं। और आप यहाँ से जाइए, जब आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे, समझ गई आप? जी सर। सर वो हम ये कह रहे थे कि जाना तो सबको ही है सर, एक एक करके सब कतार में लगे हुए हैं, यही सत्य है जीवन का, एक दिन सबको वहां जाना ही है। क्या? हाँ सर, मौत से किसका यारी, आज मेरी कल तेरी बारी है ना सर, मतलब आज हम चले जाएंगे, कल आप चले जाएंगे, फिर हसीना मैडम चली जाएंगी, कोई जिसको जाना है वो जाए, लेकिन जीवन आगे चलता रहेगा। मैडम सर नहीं होंगी तो कल कोई और आ जाएगा ना यहाँ पे उनकी जगह पर, फिर आपको उनसे भी बतियाना होगा, तो शुरुआत आप हमसे ही कर लीजिए, जो आप मैडम सर को बताने आए थे वो आप हमें बताइए सर, हम आपका बात सुनेंगे। बताइए सर आप कैसे आना हुआ यहाँ पे? बिल्कुल सही कहा आपने, मौत से किसकी यारी, आज मेरी तो कल तेरी बारी, लेकिन सोचे नहीं थे कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। सर आप क्या कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसी बातें काहे कर रहे हैं? हाँ हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। अच्छा सर ट्रांसफर? हाँ ट्रांसफर। कहाँ सर? ऊपर। प्रमोशन के साथ सर? क्या बात है। बिल्कुल ऊपर।
सर, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, कह रहा था हमारी ये लीला समाप्त होने वाली है, मरने वाले हैं हम। का? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, उसके बाद तो क्या, बस प्रभु के चरणों में। ये तो अनर्थ हो गया सर, कैसे मतलब अचानक एकदम से, क्या कुछ बीमारी हो गया क्या सर आपको? नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो फिर कैसे पता चला सर आपको, आप ऐसे तबीयत आपका? उसने बताया। किसने सर? एक अनजान मित्र है, वो सब जानता है। उसने बताया कि मेरी जीवन रेखा समाप्त हो चुकी है, मैं मरने वाला हूं। क्या हुआ बहन जी, आप कौन हैं? बहन जी ऐसे क्यों खड़ी हैं आप? देखिए हमारा ऑफिस है, आप हमारे ऑफिस के बाहर खड़ी हैं। हेलो बहन जी, आप सुन रही हैं मुझे? लगता है कुछ ज्यादा पी है इसने, ऐसे नहीं मानेगी। देखो मैं तीन तक गिनूंगा, यहां से चले जाओ नहीं तो उठा करके बाहर फेंक देंगे। थोड़ी मदद करो यार इसे हटाने से, हमारे ऑफिस के बाहर खड़ी है, प्लीज यार। अरे कहां लेके जा रहे हो? आप जानती हैं इन्हें? हाँ हाँ, ये हमारी हमारी बेटी है मीरा। यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ इन्हें? वो तो हम, हाँ हम खेल खेल रहे थे, वो आप सब लोगों को तो पता ही होगा, स्टैचू बोलने के बाद हम ऐसे ही रुक जाते हैं। वो खेल खेल रहे थे, हम यहाँ पे वहाँ आगे मोड़ पे थोड़ा सा काम था तो हमने इसे स्टैचू बोला। तो खेल की एकदम पक्की है, नियम कभी भी नहीं तोड़ती, इसलिए वो ऐसे खड़ी है। हाँ तो अब तो ठीक करो इसे। हाँ हाँ करते करते। मीरा मीरा चलो बेटा घर जाना है ना, चलो चलो। हे भगवान, लगता है ऑफिस छूट गया। मीरा हम हसीना मलिक बोल रहे हैं, चलो यहाँ से जल्दी। बैटरी खत्म हो गई। बैटरी खत्म हो गई? बैटरी सुबह से खेल रहे थे ना हम स्टैचू स्टैचू वाला, तो बैटरी खत्म हो गई, ऐसे ही उसकी वो आग लग गई फिर। अरे ऐसे खड़े खड़े आंखें खोल के कौन सोता है, और वो भी बीच रास्ते में। हम सोते हैं ऐसा। वैसे देखा जाए तो हमारे घर में सभी लोग ऐसे ही सोते हैं, सबको खानदानी बीमारी है ये। अरे आपको पता है हम तो एक दिन ना जैसे रसोई घर में रोटी बेलते बेलते सो गए, नहाते नहाते सो गए। ठीक है लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं, चलो। सर आपके उस अनजान मित्र का नाम अर्जुन तो नहीं था जिसका आप बात कर रहे थे? हाँ ऐसा ही कुछ बताया था हमारी धर्मपत्नी ने, हमारी धर्मपत्नी से ही वो मिला है। लेकिन क्या बंदा है वो, अरे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताता है। उसने ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई जो सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ। जैसे जैसे सर, क्या मतलब? जैसे हमें डायबिटीज है, ये बात हमारी धर्म पत्नी और हमारे अलावा किसी को भी पता नहीं है। अरे अरे कैसे बता दिया, सुनो किसी को बताना मत। नहीं 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 सर, नहीं बताएंगे। सर एक बात बताइए आप हमें, आपका धर्म पत्नी जो है वो मार्केट गई थी क्या? हाँ गई थी, वो तो रोज जाती है मार्केट। अच्छा रोज जाती है, करेले खरीदे थे क्या उन्होंने? हाँ भाई रोज मार्केट जाती है, रोज करेला खरीद के लाती है। सबको पता है जिसको डायबिटीज है उसको करेले का जूस पीना चाहिए, अच्छा होता है, सेहत के लिए बढ़िया होता है। वही ना सर, वही तो, माफ कीजिएगा लेकिन जब जिस घर में रोज करेले आ रहे, करेले का जूस बन रहा है, करेले की सब्जी बन रही है, तो ये बात जानना कितना बड़ा बात है कि उस घर में एक डायबिटीज का पेशेंट है कि नहीं सर? और
जितना हम जानते हैं आपके वाइफ और आपके अलावा तो आपके घर में और कोई रहता नहीं है, और मैडम को तो हम सभी देखते रहते हैं रसगुल्ले ठूसते हुए, तो आप ही बचे ना सर फिर। तो इसका मतलब अगर डायबिटीज का कोई पेशेंट आपके घर में है तो वो आप ही हो, ये तो मोहल्ले का बच्चा भी बता देगा सर। बात तो सही है, ये तो कोई भी जान सकता है कि हमें डायबिटीज है। वही हम बिना वजह घबरा रहे थे, यानी कि हमें कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं सर, कैसे हो सकता, आपको कैसे हो सकता है, डिपार्टमेंट का पूरा जिम्मेदारी है आप पे, हम सबकी दुआएं हैं सर आपके साथ, देखिए आप कितने तंदुरुस्त और कितने स्वस्थ हैं, कैसे आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है आप बताइए। अरे वाह करिश्मा सिंह, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। हसीना मलिक के साथ रहते रहते हसीना मलिक की जुबान भी बोलने लगी हो। सर उनका बात ही कुछ ऐसा है, उनका रंग सब पे चढ़ जाता है सर। हाँ तो ठीक है, इसी बात पे चंदू हलवाई के यहाँ से रसगुल्ले हो जाए। सर गलतफहमी दूर हुआ है, डायबिटीज नहीं। सर रसगुल्ला छोड़िए, आप पैसे खाइए ना। कौन? नहीं सर वो हम वो पैसे, हमारा दिमाग भरा जाता है कभी कभी, हम कुछ भी भूलने लगते हैं, नाश्ता नहीं किया ना हमने। हम ये कह रहे थे कि जब आपकी वाइफ वो ठग से मिली थी अर्जुन से, तो उसने कुछ पैसे वैसे मांगे थे आपकी वाइफ से? हाँ हाँ, जैसा कि वाइफ ने बताया कि उसने मांगे नहीं थे, हमारी वाइफ ने दिए थे, हमारी प्राण रक्षा हेतु हवन कराने के लिए 50,000 दिए थे। 50,000 सर? सर अच्छा कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि हम बेवकूफ बन गए? बड़ा वाला सर। नहीं ये अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए। अरे हम सीनियर हुए तो क्या हुआ, सत्य मेव जयते। ऐसे गुनाहगार को जल्द से जल्द पकड़ो, समाज में ऐसे आदमी को घूमना बहुत ही खतरनाक है, उसे डालिए जेल में। हम चलते हैं। जय हिंद सर, प्लीज मतलब जाइए। मैडम सर ये मत करवाया कीजिए हमसे, हमसे नहीं होता, हम फफल जाते हैं, समझ रहे हैं। और ये इसकी ठग की हिम्मत तो देखो, डीएसपी सर को नहीं छोड़ा, पुलिस अधिकारी को, जब इनको नहीं छोड़ रहा है तो फिर आम आदमी को तो क्या ही छोड़ेगा बताइए हमें। मैडम सर आप हमें परमिशन दीजिए, आप हमें, हम अभी जाते हैं, धड़ पकड़ मचाते हैं और उसको घसीट के यहाँ लाते हैं। करिश्मा सिंह हम उसे ढूंढेंगे, लेकिन सारे सबूत के साथ, पूरी तैयारी के साथ। लेकिन प्लीज फिलहाल आप अपना सारा फोकस मीरा को ढूंढने में निकालिए। कितनी बार कायम आपसे, हमें मीरा चाहिए एट एनी कॉस्ट। जी जी मैडम सर। संतु जी हम लोग जो जादूगर है, उठाग है, जालसाज है, उसको यहाँ पर क्यों ढूंढने आए हैं? मतलब क्या गारंटी है कोई यहाँ पर मिलेगा? तुझे पता है ना बिल्लू जी और डीएसपी सर की वाइफ, उन दोनों को वो जो लुटेरा है ये ठग है वो यहीं पर टकराया था, और दो दो बार इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, तो हो सकता है उसकी वर्क और फंक्शनिंग इसी एरिया में आसपास कहीं हो। कहाँ जा रही है आप, कहाँ जा रही है संतु जी? अरे तो संतु जी तो मंदिर है, और जिसको हम ढूंढ रहे हैं उठा गया है, तांत्रिक थोड़ी जो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को। मुझे ढूंढ रहे हो? दोस्त मित्र बड़ी अर्जुन, तो आप हैं अर्जुन? बहुत सुना है आपके बारे में, वो एक्चुअली मेरी कॉमन फ्रेंड है, उसने बताया था आपके बारे में कि आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानते हैं, प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। वैसे आपको कैसे पता चला कि हम लोग आपको ढूंढ रहे थे बाबा? इतना कुछ सुना है मेरे बारे में, फिर भी ये बेमानी सवाल? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम दोनों पुलिस वाले हो ना? रंगे हाथ पकड़ने आए हो? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने यही कहीं हमें देख लिया होगा, गूगल पे सर्च किया होगा, सोशल मीडिया से आपको हमारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और बस उसी इन्फॉर्मेशन को अपना स्पेशल पावर बताकर हमारे सामने आ गए इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि आपकी बच्चों वाली ट्रिक में हम नहीं आएंगे। और इन सब में से अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो आप हमारा ही पुलिस वाला बेल्ट देख लिए होंगे।
तभी पता चल गया होगा कि हम लोग पुलिस में पब्लिक को ढकोसला बनाने का तरीका है आपका और कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं? लोग यहाँ आते हैं भगवान के सामने अपना दुख दर्द बताने, अपनी बातें शेयर करते हैं, आप पीछे से उनकी बातें सुनते हैं और उन्हीं बातों का फायदा उठाकर उन्हीं के सामने आते हैं, वही इन्फॉर्मेशन देते हैं और उन्हें ठगने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी गलती नहीं है, इंसान हो ना, जब तक अपनी आंखों से नहीं देखोगे भगवान के चमत्कार को भी नहीं मानोगे। ठीक है, देखना चाहोगे चमत्कार? तो अब मैं तुम दोनों से तीन सवाल पूछूंगा, जिन सवालों के जवाब तुम्हारे जवाब देने से पहले ही मैं अपनी पर्चियों में लिख लूंगा। तो फिर सवाल ही क्यों पूछोगे? गजब गजब संतुष्टि, देखते हैं ना क्या कह रहा है, देखते हैं, देख लेते हैं। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। तो मेरा पहला सवाल है तुमसे, 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी एक नंबर अपने मन में सोचो। सोच लिया? बाप रे, आज ही सोचना है। सोच लिया। मैंने भी लिख लिया, देखते हैं मेरा जवाब तुम्हारे जवाब के साथ मैच होता है कि नहीं। ठीक है, अब अपना जवाब बताओ। 1। कुछ अब भारी सोची है। बाद में देखते हैं कि मेरा जवाब तुम्हारे जवाब के साथ मैच होता है कि नहीं। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल तुमसे, पूरी दुनिया में अपनी सबसे फेवरेट जगह का नाम सोचो। सोच लिए। मैंने भी लिख लिया और ये पर्ची को यहां रख दिया। तो जगह का नाम बताओ। तिहार जेल। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल तुमसे, किसी भी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसे तुम अपना आदर्श मानती हो। सोच लिया। मैंने भी लिख लिया। अब उस इंसान का नाम बताओ। हसीना मलिक। ठीक है, देखते हैं मेरे पूछे गए सवालों के तुमने जो जवाब दिए और मैंने जो जवाब लिखे वो मैच होते हैं कि नहीं। ठीक है, दिखाइए। तो ये है मेरे पूछे हुए पहले सवाल का जवाब। बहुत भारी था गेस करना ही तो। अब ये दूसरा जवाब। और ये तीसरा और आखिरी जवाब। ना पुलिस वाले हो या क्या हो तुम लोग, दिमाग से एकदम पैदल। क्या किया स्कूल में तुम लोगों ने, घास खोदा है क्या? पढ़ लिख नहीं सकते थे ना, मतलब एक ठग से तुम ठगकर आ गए, तुम ऐसे पुलिस वाले हो तुम। देखो ऐसा है कि ये जो शातिर ठग होते हैं ना, ये ऐसे ही अपने जान में फंसाते हैं ऐसे पागल बना के, जो तुम पागल बनकर आए हो यहाँ पे दोनों की दोनों। नहीं मैडम, वो राह चलता ठग नहीं है। हाँ। उसके पास जेन्युइनली स्पेशल पावर्स है। आप चीते से पूछिए, चीते बता। हाँ, मैडम प्लीज समझिए हमारा बात, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो कोई जादूगर मायावी ऐसा इंसान था। तभी तो हमारे जवाब देने से पहले ही वो सारा जवाब पर्ची पर लिख के साइड में रख दिया था, है ना संतोष? हाँ। और यही तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ हुआ कैसे। हम जानते हैं मैडम सर, आप भी जादू जानती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता हमें कोई जादू। नहीं मैडम, आप ये बताइए कि उन्हें कैसे पता चला कि हमारे मन में क्या चल रहा है? ये एक ट्रिक है, हम समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो उसने तुम दोनों से एक सवाल किया, सवाल का जवाब उसने तुम्हारी आंखों के सामने एक पर्ची पर लिखा और उसे साइड में रख दिया। फिर उसने उसी सवाल का जवाब तुमसे मांगा और तुमने खुशी खुशी जवाब दे भी दिया, ये सोचकर कि जवाब तो पहले से पर्ची पे लिखा हुआ है, अब क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट? हाँ। फिर उसने किया तुमसे दूसरा सवाल, दूसरा सवाल का जब वो जवाब तुम्हारी आंखों के सामने लिख रहा था, तब वो दूसरे सवाल का नहीं पहले सवाल का जवाब लिख रहा था। पहले सवाल का जवाब उसने लिखा पर्ची में, उसको साइड में कर दिया। फिर उसने तुमसे दूसरे सवाल का जवाब मांगा, जो तुमने दोबारा खुशी खुशी बता दिया, ये सोचकर कि जवाब तो पहले से लिखा हुआ। अब उसने किया तुमसे तीसरा और आखिरी सवाल, उस तीसरे सवाल का जवाब लिखते वक्त वो तीसरे सवाल का नहीं दूसरे सवाल का जवाब लिख रहा था, जो अभी अभी तुमने उसे बताया। उसने उसे लिखकर साइड में रख दिया।
अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि तीसरे सवाल का जवाब कहाँ गया और उसने कब लिखा। वो जवाब वो पहले से जानता था क्योंकि उसने तुम्हारे बारे में रिसर्च किया हुआ था और ये वही जवाब है जो उसने सबसे पहली वाली पर्ची में लिखा था एज आंसर नंबर 3। तो जब तीनों पर्चियां तुम्हारी आंखों के सामने आई तो तुम्हें लगा कि इसने हमारे मन की सारी बात पढ़ ली, जबकि तीन सवालों में से सिर्फ एक सवाल का जवाब वो पहले से जानता था, दो जवाब तुम दोनों ने खुद उसे दिए थे। ब्रिलियंट। कौन? जादूगर के मैडम सर? मैडम सर। ब्रिलियंट मैडम सर, ब्रिलियंट। मां मैडम सर, ये किन काट के लोगों को भेज दिया आपने छानबीन करने के लिए? इनकी शक्लें देखो दोनों की, ये दोनों नहीं कर पाएंगे कभी भी, यही करते रह जाएंगे बस। हमें भेजा होता हम उस ठग का नाम लेकर आते उसको यहाँ पर, उसको बताते उसको ठगते हम। और जो केस हमने आपको दिया था उसका क्या, मीरा के बारे में पता चला? कहाँ मीरा? मीरा मीरा जरूरी है क्या अभी? ये जरूरी है? ये ठग वो तो कबाड़ है, वो तो काय का जरूरी आ जाएगा ना वो अपने आप यहाँ पे। मैडम सर आप कहाँ मीरा मीरा कर रहे हैं अभी? आप हमें परमिशन दीजिए, हमें जाना है, हमें उसको पकड़ के यहाँ लाना है और उसकी धुलाई करनी है। करिश्मा सिंह, डोंट क्रॉस योर लिमिट। हमने आपसे नहीं पूछा है कि थाने के लिए क्या सही और क्या गलत, हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए प्लीज अपने ओहदे और अपनी तमीज की हद में रहिए। सॉरी मैडम। बस बस, देखिए देखिए इसका खुशी इतना बढ़ गया है कि खुशी के मारे रो रो के बिलख रहा है। बाबू वो अर्जुन हुआ जो तुमको टिकट दिया है ना, उसको फाड़ के फेंक दो, कोई लॉटरी नहीं लगने वाला है। अरे फ्रॉड आदमी है वो, फ्रॉड। पता है वो फ्रॉड है। पटो के पास, टका पास, धानी पास, जितना भी बाज है सब उसके नाम के आगे लगा दो। ठग कहीं का, मुझे ठगा, बिल्लू को ठगा, और ये लॉटरी का टिकट। सच्चा नहीं है, खिलौने का टिकट है, बच्चे खेलते हैं ना। लॉटरी लॉटरी टोपा बना दिया मैडम, टोपा। मैडम जी हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। मैडम जी हम लूट गए, हम अपने आंगन की 30-40 फीट खुदाई कर डाले, लेकिन खजाना तो दूर की बात है, पुराना गड़ा हुआ डब्बा भी नहीं मिला। ऊपर से हमारा खानदानी सोने का कंगन भी चला गया मैडम जी। मैडम सर ये जो ठग है ना, ये लोगों के दिमाग के साथ नहीं है, लोगों की भावनाओं के साथ भी खेल रहा है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? क्या अब भी आप हमें रोकेंगी इसे पकड़ने से? लेकर आइए, हम परमिशन देते हैं। चलो थाने, तुमसे कुछ बात करनी है। वारंट है आपके पास। हमने कहा ना, हमें तुमसे कुछ बात करना है। और अगर मैं ना कहूं तो? तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम हमको ना कहोगे? हाँ, बहुत शौक है तुमको लोगों को भविष्य बताने का ना, तब करिश्मा सिंह तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताएगी। सुनो, शराफत से 2 मिनट के अंदर अगर हमारे बाइक पे नहीं बैठे ना, तो वो हाल करेंगे तुम्हारा कि तुम हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के किसी बेड पर अपनी हड्डियां जुड़वा रहे होगे। और जो वहाँ के डॉक्टर्स होंगे ना, वो भी भौरा जाएंगे कि करे तो करे का, इसकी हड्डियां जोड़े या हड्डियों को तोड़ कर दोबारा लगाए। समझे? लगता है फिल्में बहुत देखती हैं आप मैडम, लेकिन अफसोस ये फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में एक आम आदमी को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, इसलिए पहले अपराध बताइए फिर हाथ लगाइए। बहुत बढ़िया,
एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या करते हो मासूम लोगों के साथ? हाँ, उनके दिमाग के साथ खेलते हो, उनके दिल के साथ खेलते हो। शर्म नहीं आती है? तुम लोगों को ठगते हो, मासूम लोगों को ठगते हो और हमसे अपराध पूछ रहे हो। मैंने किसे ठगा है मैडम? मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा। जिसने भी दिया है, जो भी दिया है, अपनी मर्जी से दिया है। अब किसी की मदद हुई, किसी की नहीं हुई, अब इसे आप धोखाधड़ी थोड़ी कह सकती हैं। अब किसी की मदद करना कोई अपराध है भला? माँ भैया, ओ कहाँ? देखो, ऐसा है कि भविष्य का वास्तविक रूपांतरण होने का समय अब आया है। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ, चलो चलो थाने हमारे साथ। बंदर, उतरो, चलो थाने। चलो चलिए थाने, चलिए। कमाल है, एक अपराधी दूसरे अपराधी को थाने लेकर जा रहा है और देश का कानून सो रहा है। क्या बोले तुम? अपराधी? थाने चलिए, वहां चलकर मैं सबको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी SHO हसीना मलिक को कि कितना बड़ा धोखा दे रही हैं आप सबको, सबके साथ विश्वासघात कर रही हैं। मैं जानता हूं आपने किसे गायब किया है, और ये भी जानता हूं कि इस काम में आप अकेली नहीं है। आप ही के थाने का एक और मेंबर आपका साथ दे रहा है। अम्मा, इसे कैसे पता चला कि हम और पुष्पा जी उस टीन के डब्बे मीरा को ठिकाने लगाने का कोशिश कर रहे हैं? तो ज्ञान की बात यह है मैडम कि आप अगर मुझे थाने ले भी गई तो मेरा तो पता नहीं, मैं तो शायद छूट भी जाऊं, लेकिन आप पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगी और फिर आपका करियर खत्म, the end, full stop, बर्बाद, जेल। वाह रे तेरी दुनिया, वाह रे तेरा खेल। माइंड रीडर है करिश्मा मैडम का, एक उल्टा हाथ पड़ा होगा और दिमाग का सारा कचरा निकल गया होगा। है, दिखाओ गंदी सी दिमाग वाली ट्रिक, दिखाओ जिससे लोगों को पागल बनाते, खुद को चीते, बहुत बड़ा गेमर समझते हैं। है, हिम्मत है, निकल के दिखाओ। चलो, हवा हूँ मैडम, ये सलाखे मुझे क्या बांधेंगी, फुर्र से उड़ जाऊंगा और सब देखते रह जाएंगे। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा, मैं सबके सामने आपका राज खोल दूंगा, बता दूंगा सबको कि आप कितनी बड़ी खिलाड़ी हैं। तुम सब मुझे बहुत बड़ा चीटर समझते हो ना? अरे असली चीटर तो तुम्हारी ये मैडम है, बहुत बड़ी धोखेबाज है ये, सबको धोखा दे रही है। कोई माने या ना माने, इन्हें पता है मैं सबका दिमाग पढ़ सकता हूँ और किसी के बारे में कुछ भी जान सकता हूँ, और इनके बारे में भी मैंने सब कुछ जान लिया है। देखो भैया, ऐसा है, ये जो तुम्हारा ठग का धंधा है ना, इसमें किस्मत का बहुत बड़ा भूमिका होता है, समझो हमारी बात को। पर एक बात बताएं तुमको, ये किस्मत जो होता है ना, बहुत बेवफा टाइप का नेचर होता है उसका, समझ लो, कभी किसी एक का नहीं हो पाता है, और जब उसका सबसे ज्यादा जरूरत होता है ना, तभी धोखा देता है। जैसे अभी अभी तुमको तुम्हारी किस्मत का कितना जरूरत है, हा? लेकिन दे दिया ना धोखा, फंस गए तुम करिश्मा सिंह के झांसे में। अब कहां जाओगे यहां से? कहां जाओगे? या तो जेल में रहोगे या सीधा शमशान जाओगे। तो जो उखाड़ सकते हो ना, उखाड़ लो, तुम्हारी ये टटपुंजी धमकियों में आने वाला चीज नहीं है। ठीक है, तो फिर बुलाओ अपनी सीनियर ऑफिसर को,
जिसकी आंखों में तुम सरेआम धूल झोंक रही हो। मैं बताऊंगा उन्हें कि उनके पीठ पीछे इस पुलिस थाने में क्या चल रहा है। बुलाओ भैया मैडम सर को, बुलाओ, तड़प रहे हैं ये मैडम सर से मिलने के लिए। हाँ संतु बुलाओ। ऐसे कहाँ देख रहा है? बहुत चाहते हो ना तुम इस संतोष शर्मा को? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बाबू। मैंने इसका दिमाग पढ़ा है, ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। क्या बोला रे तुम? क्या बोला, क्या बोला? बाबू भी शुक्र मनाओ कि तुम जेल में हैं और हम वर्दी में। तो कोई भी बाहर वाला अगर संतु जी के बारे में इतना सा भी कुछ बोला होता ना, तो मैयत सजा दिए होते उसका, अर्थी बिछा देते तुम्हारा यहाँ पे। इससे बच गया ना तो ये बिल्लू चंपत अपना खोपड़ा तेरे खोपड़े पे मार मार के, मार मार के तेरा खोपड़ा फोड़ देगा। करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या बात है आप इस तरह से रास्ते के बीच में? कुछ जरूरी बात करना था मैडम सर आपसे। हाँ तो फोन पे भी तो बात कर सकते थे। फोन पे होने वाला बात नहीं है मैडम सर, थोड़ा जरूरी है इसलिए अभी करना है। ठीक है, हम भी थाने जा रहे हैं, चल के बात करते हैं। नहीं मैडम सर, आप थाने जाएंगे, आपको थाने जाकर किसी और के मुंह से बात पता चले, इसलिए हम खुद आपको बताएंगे। करिश्मा सिंह, आप किसको कूट दिया आपने? इस बार कूटा नहीं है मैडम सर, इस बार मीरा को हमने गायब किया मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, ये बहुत ही गंदा मजाक है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि मीरा सिर्फ हमारे कमांड सुनती है, तो फिर आप उसे गायब कैसे कर सकती हैं? पुष्पा जी के पास टैलेंट है ना मैडम सर, आपका हूबहू आवाज निकाल लेती है। तो हमारे कहने पर पुष्पा जी ने आपका हूबहू आवाज निकाला, उसको कमांड दिया, मीरा ने मान लिया और गायब। क्या मुसीबत है, अपना चार्जर साथ में लेकर नहीं घूम सकती थी? देखो हम भी तो हमारे मोबाइल का चार्जर साथ लेकर घूमते हैं ना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना। और ये महारानी है कि कैसे करेंगे चार्ज तुमको? ठीक है कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। अभी लाते तुम्हारे लिए खाना। क्या आपने पुष्पा जी ने आपका साथ दिया है सब में? नहीं, लेकिन उनका गलती नहीं है मैडम सर, वो मजबूर है, उनको हमने मजबूर किया था ये सब करने के लिए। आप जानती हैं आपने क्या कर दिया है करिश्मा सिंह? अगर डिपार्टमेंट को इस बात की भनक भी लग गई कि ऐसा कुछ हुआ है, तो जानती है कितना बड़ा बवाल खड़ा होगा। एक मिनट में थाने पर ताला लग जाएगा और हम सबको फोर्स से निकाल दिया जाएगा, और फिर जिंदगी भर हम सबको इस शर्मिंदगी के साथ जीना होगा कि हमें फोर्स से सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि हमने अपनी वर्दी, अपने फर्ज को धोखा दिया है और जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब हुए हैं। जिम्मेदारी? ये हाँ मैडम सर, ये जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी नहीं है, ये तकनीकी विकास के नाम पर पागलपन है, अंधा पागलपन, जो हमारी इंसानियत को ना ऐसा खा जाएगा, बता रहे हैं हम आपको। और वो दिन दूर नहीं है जब ये मशीन जो है ना, वो हमारे भविष्य पर पैर रखकर खड़ा होके ना हंस रहा होगा, और हम बस बेबस होके ऐसे ऐसे तमाशा देख रहे होंगे। नहीं नहीं मैडम सर, हमसे नहीं हो पाएगा ये, हम अपने इंसानियत को खाते हुए, उसको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। करिश्मा सिंह, एक ही बात हमें आपको कितनी बार समझानी पड़ेगी, हम कितनी बार ये सेम डिस्कशन करेंगे? वो एक मशीन है जिसे डिपार्टमेंट ने हमारी जिम्मेदारी पर यहाँ भेजा है, जिसे निभाने की हम कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। ये देखो हम क्या लेकर आए हैं तुम्हारे लिए खाना। ये देखो कहाँ से चार्ज करे तुमको? अरे अरे अम्मा, कहाँ से चार्ज होती हो तुम? लगता है ये करंट ना तुम्हें कम पड़ रहा है। रुको, हम तुम्हें सीधा करंट मारते हैं। ये देखो अब हम तुम्हें ऐसे करेंगे। <laughs>
और क्या करेंगे आप करिश्मा सिंह? आप एक मीरा को फेंक देंगे डिपार्टमेंट, दूसरी मीरा भेज देगा, तीसरी मीरा भेज देगा, कितनों को फेंकेंगे आप? जब तक टीम के डब्बे भेजते रहेगा हम सारे टीम के डब्बों को गायब कर देंगे। आप इतना चिंता काहे कर रही हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, मतलब किसी को कैसे पता चलेगा कि हमने उसको गायब कर दिया है? हमने? करिश्मा सिंह, ऐसी गैर जिम्मेदाराना और ऐसी गैर कानूनी हरकत हम कभी नहीं कर सकते, तो इस हमने में हमें इंक्लूड मत करिए। बेहतर होगा कि आप हमें बता दें कि आपने और पुष्पा जी ने मीरा को कहां छुपा रखा है, वरना मजबूरन हमें डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा और फिर वो अपने तरीके से मीरा को ढूंढ ही लेंगे। आप एक मशीन के लिए हमारे खिलाफ जाएंगे मैडम सर? हम अपने उसूलों के लिए किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं करिश्मा सिंह, जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे किसी ने भी किया हो। बोलो। ये बोलो क्या होता है पुष्पा जी? बोलिए, हम सीनियर हैं आपके, तमीज से बात कीजिए हमसे। ना, ये तमीज वमीज जो है ना वो सब गई भाड़ में। आपको जरा तो शर्म आनी चाहिए थी, इस उम्र में अपनी सास से ये सब काम करवाते हुए, खुद क्यों नहीं किया? हमारी बात तो सुन लीजिए पुष्पा जी, हमारा प्लान कैंसिल। क्या जी? पुष्पा जी, प्लान कैंसिल हो गया, आप समझिए हमारी बात को, आपको कुछ नहीं करना है। सुबह से अन का दाना तक नहीं हमारे पेट में और आप कह रही है प्लान कैंसिल हो गया? और ऐसे कैसे कैंसिल हो गया? हमारे मैडम सर को सब पता चल गया पुष्पा जी। हाँ हाँ, मैडम सर को सब पता चल गया है। हाँ? इतनी आसानी से आपके झांसे में नहीं आने वाले। हमारा क्या गोलगप्पा खाते खाते दिमाग गोलगप्पा हो गया क्या आपका? क्या कह रहे हैं हम आपसे? मैडम सर को सच पता चल गया है, दिमाग किधर है आपका? समझिए आप गंभीरता को। फोन स्पीकर पर मैडम सर सब सुन रही है। अच्छा, एक और झूठ, एक और प्रपंच। पुष्पा जी, ये मजाक नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा, ये मजाक नहीं है पुष्पा जी, हम सब कुछ जान चुके हैं। हमने मैडम सर की आवाज निकालकर जैसे मीरा मैडम को उल्लू बनाया, आप हमें मैडम सर की आवाज निकालकर डरा रही है, हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है। पुष्पा जी, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है, हम हसीना मलिक ही बोल रहे हैं। हाँ, तो हम भी प्रियंका चोपड़ा बोल रहे हैं। पुष्पा जी, आप क्या बोल रही हैं? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए, हम सांस है आपकी, समझ गई ना? आप हमें वीडियो कॉल कीजिए, अब देखते हैं। हाँ जी, हो गई तसल्ली? फौरन मीरा को लेकर थाने आई, और फौरन का मतलब जानती है ना? जी जी मैडम सर, हम फौरन मीरा मैडम को लेकर आते हैं। अरे यार, कोई चाय तो पिला दो। हाँ, तुम्हारे मौसी का होटल है ना। अरे यार, कोई तो चाय तो पिला दो। चल चाय पी के आते। हाँ संतु जी। मेरे लिए भी एक ला दो ना। अभी लौटे और इसके लिए भी लेकर आएंगे, नेवला का जहर डलवा के। हाँ, डेंजरस वाला लाना। आई संतु जी, आई आई। मैं भी तो यही चाहता था। क्या चाहते थे तुम? तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं एक ठग हूं? ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझकर तुम्हें गलत लॉटरी का टिकट दिया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम एक चोर हो, और मैं एक चोर की मदद कभी नहीं कर सकता। चल बे हेपड़ी की, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, और मुझे पता है तुम्हारे पास पावर वावर कुछ नहीं है। तक मैं अभी कभी साबित कर सकता हूँ कि तुम गलत हो। अच्छा, मेरे पास पावर है, और अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं अभी के अभी तुम्हें उतने पैसे दूंगा जितने तुम कहोगे। मंजूर है, क्या करना है? ये ताश की गड्डी है, इस गड्डी में से कोई भी तीन पत्ते मोड़ दो, और मैं तुम्हें बिना देखे बता दूंगा कि वो पत्ते कौन से। ठीक है। तीनों पत्ते ध्यान से निकालना। हाँ। क्योंकि यही वो तीनों पत्ते हैं जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला। पहला मोड़ दिया, दूसरा मोड़ा, दूसरा भी मोड़ दिया, तीसरा मोड़ा, ये तीसरा भी मोड़ दिया। बताओ तू अंदर क्या कर रहे हो? तू बाहर, मैं अंदर। तेरी तो मैं
कैसा लगा मेरा चमत्कार बिल्लू चंपत? मैं तुम्हारा पत्ता काट दूंगा, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। चीता संतोष, ये देखो अर्जुन भाग रहा है, पकड़ो इसको। चीता संतोष जल्दी आओ। दिखा दिया ना बाहर निकल कर। हम चार बाग के लड़कों को कभी चैलेंज मत करना, दिल पे ले लेते हैं। चीते चल। अरे कैसर, इसको पुलिस में भर्ती किया। बिल्ले ठग किधर है? ठग किधर है? भाग गया। भाग गया मतलब कैसे भाग गया? तुम्हारे होते हुए कैसे भाग गया? मैडम सर की कैसे भागा? मैडम सर, दो सेकंड के लिए हम और संतु जी बदबू का जहर पीने गए थे, तब तक ही बिलोटा का आवाज आया। हम लोग जैसे अंदर आए ना मैडम सर, हमको यहाँ पर टेबल पर लड़ा दिया, हमारे सर पे सूरज निकाल दिया। संतु जी फूंक दीजिए थोड़ा। मैडम सर, मुझे लगा कि मैं ही बड़ा चोर हूँ, शातिर ठग हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं, लेकिन ये तो मेरा फूफा निकला, दोनों बाहर घिस कर चला गया। बिल्लू पर लालच है, मुझे डूब मरना चाहिए। करिश्मा मैडम, मारिए मुझे, मारिए। ये सच में मार दिया? अरे बढ़िया हुआ गोली मारने को नहीं कहा। एक काम दिया था वो ठीक से नहीं हुआ तुमसे, तुमको चाय पीने की पड़ी थी। और तुम एक काम करो, तुम भी भागो अब यहाँ से। हाँ भागो, जाओ, निकलो यहाँ से तुम भी। अब ये ठग हमारे हाथ से नहीं बचेगा। पर कैसे मैडम सर, अब तक तो उसे समझ गया होगा कि हम उसके पीछे आने वाले, और वो अंडरग्राउंड हो गया होगा, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तजुर्बा कहता है हमारा, इंसान अपनी सूरत बदल सकता है अपनी सीरत नहीं, अपना किरदार बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं। और अब इस ठग की फितरत ही हमें उस तक पहुंचाएगी, अब हम उसे उसी के तरीके से पकड़ेंगे। माहिर है तू अपने हुनर का तो क्या, कुछ अदाकारी हम भी अपने तजुर्बे की रखते हैं। अपना भूत भविष्य सब कुछ जानिए, मन की शक्तियों का अद्भुत प्रदर्शन, अपना भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानिए, सबका समाधान मिलेगा नारी चमत्कारों वाली से। अरे कुछ भी पूछे, कुछ भी जानिए, इच्छा हो जाएगी पूरी तो फिर मानिए, नारी चमत्कारों वाली क्रिस्टल लेडी, कोई शक ना हो पूरा काम उसको मिलेगा 1,00,000 रुपए नगद इनाम क्रिस्टल लेडी की तरफ से, शुल्क मात्र 1,000 रुपए। आपका अलग है क्या भाई साहब? क्या वो बता सकते हैं मेरी शादी कब होगी? ये शक्ल बदल सकते हो? नहीं। तो फिर इस जन्म में तो मुश्किल है, ये तो योगा से भी नहीं होगा। जाओ कल आना, आना जरूर, लेकिन बड़ा आया शादी दूचरे ना हो पूरा काम उसको मिलेगा 1,00,000 रुपए नगद इनाम। इकबाल अरे चलना कुछ खाते है। हाँ लेकिन किसकी दुकान पे चल? जरा सुनिए, खाएंगे जरा। हाँ 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 शुक्रिया, चले शमशाद भाई। हाँ चलो, ये भी पढ़ लो। मन की शक्तियों का अद्भुत प्रदर्शन, अपना भूत वर्तमान भविष्य जानिए, शुल्क मात्र 1,000 रुपए, अगर बात गलत निकली तो 1,00,000 रुपए की वापसी। गजब गजब, संतु जी एक साथ कितना ज्यादा कैमरा लगा दिया। जहाँ जहाँ बैठने की जगह उसके सामने कैमरा लगा दिया, क्या पता कहीं भी बैठ जाए वो। लेकिन संतु जी आपको लगता है वो ठग आएगा? हाँ हाँ बिलू जी, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि क्या है ना, ये ईगो नाम की जो बीमारी है ना, बहुत ही खतरनाक होती है। एक बार अगर किसी को लग गई ना तो समझो वो गया। इंसान की जितनी भी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस होती है ना, ये ईगो खा जाता है, और मैडम सर ने उसको ओपनली चैलेंज नहीं दिया, उसके ईगो को ललकारा, तो वो डेफिनेटली आएगा। ओ ईगो से कम होगा वो, वेरी नाइस। नहीं लेकिन अभी तक तो आना चाहिए था उसको, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है वो।
हेलो, आप सबका स्वागत है। मैं हूँ क्रिस्टल लेडी, आपके दिमाग की सबसे करीबी दोस्त, आपके दिमाग का सबसे अहम हिस्सा। मैं आप सबके बारे में उतना ही जानती हूँ जितना आप खुद के बारे में जानते हैं। मुझसे कुछ भी नहीं छुपा, मैं आप सबके सारे राज जानती हूँ। इसलिए बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के मुझसे खुलकर बात करिए, अपनी समस्याओं का हल निकालिए और इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। तो अब हम एक एक करके आप सबके प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालेंगे यहां। तो सबसे पहले आप, हम, आई फॉलो मी। क्या बात है, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। क्या सच में आप में लोगों का दिमाग पढ़ लेने की पावर है? हम जानते हैं कि इन शक्तियों पर विश्वास करना इतना आसान नहीं। वो क्या है ना कि ठगों ने, जालसाजों ने इस शक्ति का इतना मिसयूज किया है कि इस पर आसानी से भरोसा नहीं होता। लेकिन हम अभी साबित कर देंगे कि हमारी पावर कितनी सच्ची है। रेडी? रेडी रेडी। तो अब अपने मन में एक जियोमेट्रिकल शेप के बारे में सोचो। काउंटरमेट्रिकल? जियोमेट्रिकल शेप। जी, जी। बस वो रेक्टेंगल या स्क्वायर जितना आसान नहीं होना चाहिए। सोच लिया? हाँ, सोच लिया। वेरी गुड। अब इस शेप के अंदर अपने सोचे हुए शेप के बारे में सोचो। सोच लिया? हाँ, सोच लिया, सोच लिया। क्या तुमने एक ट्रायंगल के बारे में सोचा? हाँ, क्या? अरे, हमने ट्रायंगल के बारे में सोचा था। अरे, चमत्कार हो गया। सही, हमने यही सोचा था। जय हो, ये देवता है ये। माफ कीजिए, हमें नहीं लगता कि ये कोई माइंड रीडिंग पावर है। दिस इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, दिमाग का खेल है, मनोविज्ञान। और ऐसा खेल सड़क पर बच्चे बच्चे दिखाते हैं आजकल। वो कैसे? देखिए, बहुत ही आसान है। अभी इन मैडम ने इनसे क्या कहा कि अपने दिमाग में कोई भी जियोमेट्रिकल शेप के बारे में सोचिए, लेकिन वो शेप स्क्वायर और रेक्टेंगल जितना आसान नहीं होना चाहिए, हैं? और बाद में इन्होंने हवा में एक सर्कल बनाकर सर्कल का ऑप्शन भी आउट कर दिया। तो अब ज्यादा शेप तो बचे नहीं ना। और ऐसे वक्त पर कोई भी आम इंसान कोई आसान सा शेप सोचता है, जैसे कि ट्राइंगल। और आप तो आम इंसान है ही, तो आपने भी कह दिया ट्राइंगल, मैडम ने भी कह दिया ट्राइंगल। ये कोई माइंड रीडिंग पावर नहीं है, सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है। और आप सबको बेवकूफ बना रही है मैडम। और हमने सबके सामने आपको गलत प्रूव कर दिया। हम जीत गए, आप हार गई। लाइए हमारे 1,00,000 रुपए, हमें आपका सर्कस देखने का कोई शौक नहीं। यही अर्जुन है, पकड़ो इसको। नहीं 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 बिल्लू जी, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी? हमारे तर्कश में सिर्फ एक तीर थोड़ी ना है, और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं, हमारी असली शक्ति है। आई इंसिस्ट, प्लीज। तो अब कौन सा पैंतरा आजमाएंगे आप अपने झूठ को सच साबित करने के लिए? तुम जानते नहीं हो, लेकिन हमने तुम्हारा चेहरा देखकर ही तुम्हारा पूरा पास्ट जान लिया है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि हमारी सबसे फेवरेट या पसंदीदा डिश कौन सी है? छोले भटूरे। कमाल का तुक्का था आपका, जो कि इत्तेफाक से लग गया। ठीक है, अब हमारे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए।
कि हमारे सबसे खास दोस्त का नाम क्या है? मनोज, 18 साल की उम्र में तुमने अपने पिता को खो दिया। साइकोलॉजी पढ़ना चाहते थे लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ नहीं पाए। बहुत जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। कोई नौकरी तुम्हें पसंद नहीं आई, किसी नौकरी को तुम पसंद नहीं आए। छोटे मोटे बड़े सारे काम किए, यहाँ तक कि डिलीवरी बॉय तक का भी काम किया। Impossible. ये पॉसिबल नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि ये कोई माइंड रीडिंग पावर है। ठीक है, नहीं कहते, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? हम बताते हैं। उसी ने बताया जिसने ये सब झेला है तुम्हारे साथ। आइए। अर्जुन, हमारे सबसे खास दोस्त का नाम क्या है? अभी बताते हैं। आपके बेटे के पक्के दोस्त का नाम क्या है? वो होता ना एकदम जिगरी दोस्त, जिसके बिना वो रह नहीं सकता, वैसी दोस्ती। अरे वही अवारा मनोज, वही तो है उसका पक्का दोस्त। धन्यवाद मैडम सर, मनोज नाम है, मनोज। लेकिन आप मेरी माँ तक कैसे पहुंचे? तुम्हें क्या लगा तुम बस अकेले स्मार्ट हो? और भी है। बस आप कदर नहीं करती हैं संतु जी। तुम ही ने बताया था तुम्हारे बारे में। मैंने? बिल्कुल। दिखा दिया ना बाहर निकल कर। हम चार बाग के लड़कों को कभी चैलेंज मत करना, दिल पे ले लेते हैं। चार बाग में तुम्हें और तुम्हारी माता जी को ढूंढना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। और एक सेकंड, वो जाते जाते आप क्या बोलकर गए थे कि चार बाग के लड़कों से पंगा नहीं लेना चाहिए? तो आप भी सुन लीजिए, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ से भी कभी पंगा मत लेना, क्योंकि अपनी पर आ जाए ना तो यमराज से भी उसकी कुंडली निकाल लेंगे। तो आप तो चीज ही क्या है। अर्जुन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ? चलो अर्जुन, मैं तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंट प्रेजेंट करता हूँ, लॉकअप साफ करवाऊंगा तुमसे। देखो भैया, ऐसा है कि सारी बात का लबोलुआब ये है कि आपने आज तक सबका फ्यूचर बताया लेकिन खुद का फ्यूचर देखना आप भूल गए। वो हम आपको बताएंगे, तुम्हारा फ्यूचर है जेल। नहीं करिश्मा सिंह, हमने इसके लिए कुछ और ही भविष्य सोचा है। तुमने जितने भी लोगों का जो कुछ भी लूटा है, जितना हो सके उन्हें लौटा दो और अपने इस इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल कर लोगों को एंटरटेन करने में, ना कि उन्हें ठगने में। तजुर्बा कहता है हमारा, हर हुनर का आसमान तय होता है, बस जरूरत होती है तो शिद्दत से उसे ढूंढने की। अपना अच्छा हुनर जाया मत होने दो। ऑल द बेस्ट। मैं वादा करता हूं मैडम, अब से अपने टैलेंट को सही दिशा में इस्तेमाल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए और एक और मौका देने के लिए। आप सबके लिए इतना तो बनता ही है। जी, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है हमारे पास। मतलब आपका रिश्ता पक्का हो गया है? गजब मैडम सर, मुबारक हो। एसएएफ के फाउंडर कैप्टन बत्रा आप सबसे बात करना चाहते हैं। मतलब हम सब एसएएफ जा रहे हैं? कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं मैडम सर। इजी इजी, ना हम जा रहे हैं ना वो आ रहे हैं, हम उनसे वीडियो कॉल पर बात करने वाले हैं। ओके, आई 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 कौन पीछे पीछे। हेलो एवरीवन, जय हिंद। जय हिंद सर। सर ये हमारी टीम है, एक छोटा सा तारुफ करा देते हैं सभी से। आप जैसे लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है देश के लिए कुछ और अच्छा करने की। दैट्स वेरी गुड। मुझे एक्चुअली बहुत खुशी होती है ये देखकर कि आप जैसे युवा लोग सब देश को अपनी प्रायोरिटी समझते हैं। आप जैसे लोगों के हाथ में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। बाहर से आने वाले दुश्मनों के साथ तो हम लड़ लेते हैं,
लेकिन जो लोग देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, देश में दीमक लगा रहे हैं, आप लोग उनसे निपटने के लिए फिजिकली एकदम फिट हैं। I'm really proud of you. आप लोगों की मदद करने के लिए हमने भी एक छोटी सी कोशिश की है। #hashtag घर घर में सोल्जर, ताकि सिविलियंस भी अपनी और अपने देशवासियों की जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए तैयार रहे। हमारी तैयारी ही हमारे देश की मजबूती है और आप जैसी युवा महिला अफसरों को देखकर हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। And हमें एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए मिलते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए। And by the way, हमने पराक्रम SAF एकेडमी में एक जलसा रखा है, तो आप लोगों का मेरा पर्सनल इन्विटेशन है, आप सब लोग आए, प्लीज आए और हमारे जलसे की शोभा बढ़ाए। सर हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हम सब एक साथ। Yes, of course, I do understand. आप सब लोग थाने को ताला लगाकर तो आ नहीं सकती। तो एक काम कीजिए, आप जैसे भी ठीक समझें उस कैडेट को हमारे यहाँ भेजें, ताकि वो हमारे लोगों को भी इंस्पायर कर सके। आ जाएंगे सर, आ जाएं। जी सर, हम कोशिश करेंगे कि हम में से कोई एक उस कार्यक्रम में जरूर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट मिशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। क्या हो गया तुम दोनों को? नहीं मतलब, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा। अब मैडम सर, मुझे ऐसा लगता है कि करिश्मा मैडम को जाना चाहिए। परफेक्ट। कहाँ जा सकते हैं? बत्रा के कार्यक्रम में, हमारे थाने की तरफ से। पर मैडम सर, थाने के SHO तो आप हैं, आपको जाना चाहिए। हम हाँ, लेकिन करिश्मा सिंह, हम चाहते हैं कि आप जाएं। एंड दैट्स फाइनल। पर मैडम, करिश्मा सिंह, इट्स एन ऑर्डर। जी, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। डिसमिस। तो भाई साहब, ओ दो दिन से देख रहा हूँ, आप अपना चेहरा घूंघट में, मतलब घुटने में छुपा के बैठे हो। क्यों ना बोल रहे हो, ना हंस रहे हो, ना खेल रहे हो, ना कूद रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना सुबह वहाँ जा रहे हो, क्या बात है? देखो, चोरी के केस में अंदर आए हो, टेंशन मत लो, मुझे देखो, मैं खानदानी चोर हूँ। मैं गोल्ड मेडल चोर था, पता है, मतलब एक का गोल्ड मेडल चुरा लिया था, उस हिसाब से मैं गोल्ड मेडल। तुम भी सुधर जाओ, चाय बिस्कुट खा लो, चलो फटाफट। सुनना संतोष जी, चुप हो जाइए। हम है ना, क्यों रो रही हैं? क्या कर रहा है, खुद को क्यों मार रहा है? चीते सुन, तुझे कोई आवाज आ रही है क्या? संतोष जी, हाँ, आमतौर पर तो हमको आपके धड़कन के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन हाँ, अभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही है हमको संतोष जी, है ना? हाँ। मैडम सर की केबिन से आवाज आ रही रोने की। अरे मैडम सर, जब अपने केबिन में है ही नहीं टकले राक्षस, तो उधर से आवाज कैसे आएगा? है ना संतोष जी? संतोष, इधर इधर इधर। चीते चीते, एक बार जाके चेक करना। हम हाँ, तो और कौन मर्द है? बिल्ला तू नहीं है? हाँ हम है, तो थोड़े से थोड़ा सा मर्द है। हाँ मतलब सिचुएशन के हिसाब से है ना, कि कितना मर्द अंदर रखना है, कितना बाहर निकालना है, तो अभी थोड़े से मर्द है हम संतु जी। ए, थोड़ा सा मर्द ज्यादा लेडी जाना। हाँ, हाँ। जा रहे संतु जी। संतु जी सुनिए ना, आ, 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 अभी हमारे साथ चलिए ना। देखो, अरे भूत से पहले तो चंडाल हार्ट अटैक दे देगा हम लोग को संतु जी।
संतू जी, हमको तो कोई भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई दिया कुछ की कहां से आवाज आ रहा है? नहीं, क्या हो गया? क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ पर? मैडम, किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है और बहुत ही अजीब ढंग से रो रही है वो। हाँ मैडम, बहुत ज्यादा अजीब ढंग से रो रही है, बहुत ज्यादा। संतू जी, करके दिखाई कैसे रो रही है? ऐसे रो रही थी, ऐसे। ये मस्त रो रही है, सेम ऐसे ही रो रही थी वो। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, औरत रो रही थी, हमको तो सुनाई नहीं आया। अच्छा सुनिए, हम जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हमें सैफ पहुंचने में लेट नहीं होना है। थाना आप दोनों को संभालना है, और हाँ, हमें कोई चूरनगिरी नहीं चाहिए। कहाँ नहीं चाहिए? चूरनगिरी। चलिए काम पे लगिए। चलिए चलिए संतू जी। चिल्लाई क्यों? आप चिल्लाई इसलिए हम भी चिल्ला दिए। आप क्यों चिल्लाए? तुम मेरे पैर पे पैर रख के खड़ा। सॉरी संतू जी, चलिए। कई सारी, ये पुलिस वाला खुद के पैर पे कब खड़ा होगा? ये बाला, वो नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू बाला। वो महिला पुलिस थाने से कोई आया क्या? हेलो सर, करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग। हेलो, वेलकम टू पराक्रम SAF। धन्यवाद। आपका थाना तो बड़ी न्यूज में रहता है आजकल। मतलब ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व करते हैं आप लोग। बाला, शैतान का साला, अरेंज कर लो मुझे। टोपा है का? आराम से बता नहीं सकते जी। बाला, इनको कोयल मैडम के पास अंदर ले जाओ। बाय द वे, कोयल हमारी कैरेट हैं और वो इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रही हैं। आई एम श्योर शी विल टेक गुड केयर ऑफ यू। जी धन्यवाद। आइए चलिए। अरे इसी दिन के लिए तो जन्म लिया था मैंने। अब काम ही ऐसा है अम्मी, कभी कभार लेट हो जाता है, क्या करें, बस पहुंच ही रहे। ठीक, आपने खाना खाया?